हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आरएल टेक के ऊपर हमने बहुत ही कम वीडियो बनाया है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, मैं उन्हीं के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली सब्सक्राइबर का मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, देखिए, ऐसा है कि हम कभी किसी को भी मतलब एकदम विदाउट, इनका नाम है मिसिता लाइफ स्टाइल, ओके। जो भी आपका नाम है, ओरिजिनल नाम हमारे नंबर दिख रहा है जो, उस पर आप अपना नाम और लोकेशन भेज दीजिएगा ओरिजिनल, तो आप ओरिजिनल नाम ले लेंगे, ठीक है। दोस्तों, मैं आप अभी आरएल टेक का जो एलटी है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखो दोस्तों, ऐसे जो अपना आरएल टेक का एलटी लॉग इन करने का दो तरीका होता है, एक तो होता है ऑक्सपोर्ट से और एक अपना होता है कोई भी उसका जो पोर्ट लगा रहता है उस पर, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड जो तरीका हम लोग बोलते हैं वो हो गया। तो ओल्टी के मैं तो सामने नहीं हूँ, एक रिमोट पे ओल्टी है उसी को मैंने लिया है, ठीक है। तो उसी ओल्टी को मैंने मैनेजमेंट पोर्ट में डायरेक्ट केबल नहीं लगाया, इसीलिए आपको जो आईपी दिख रहा है वो दिख रहा है 192.168.20.1, ये डिफॉल्ट आईपी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लॉग इन करते हैं। एडमिन एडमिन इसका जो होता है डिफॉल्ट लॉग इन होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा आर एल टेक का वल्टी खरीदना चाहता है तो बेहिचक खरीद सकते हैं, क्योंकि आर एल टेक का वल्टी अच्छा वल्टी है, खराब नहीं है, ठीक है, अच्छा ही काम करता है। और हम लोग इसके ऊपर में बहुत वीडियो बनाए हैं, ऐसा नहीं है एक वीडियो नहीं बनाया है, इसे कॉन्फ़िगरेशन से लेके सभी कुछ का वीडियो हमने बनाया हुआ ऑलरेडी। थोड़ा सा देखिए क्या है ना कि आरएल टेक बहुत ज्यादा मार्केट में यूज नहीं हुआ है, ठीक है, इस कारण से लोगों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी कम है। देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या है, कैसे कैसे किया जाता है। देखिए, वीलैन वीलैन के कन्फिग्रेशन का ना, इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, कैसे बीएसएनएल बीएसएनएल का कन्फिग्रेशन किया था वो मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ मेन मेन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे अपना सबसे पहले कि अगर आर एल टेक का वल्टी खरीदे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली देखिए, जो एसपीएफ का विदाउट विलेन चलता है, जिसका कोई मैंने अनटैग मोड पे जो चलाते हैं, जो आपको जिनका कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, वहां तो प्लग इन प्ले है, आप इनपुट दे दो और फोन से आउटपुट निकाल लो, वल्टी चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जिनका थोड़ा मोड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, या कभी अब जैसे सपोज कोई सबसे पहले उल्टी खरीद के लाए तो क्या तरह किस तरह का तकलीफ होता है, तकलीफ एक ये हो सकता है आपका कि पोर्ट अप नहीं आ रहा है। तो पोर्ट अप नहीं आएगा तो भैया हमको पोर्ट का स्टेटस देखना होगा, उसके लिए कहाँ से स्टेटस देखेंगे हम, एकदम आपको स्टेप बाई स्टेप लंबा वीडियो बनाने वाला है ये, ठीक है। लेकिन पूरा आर एल टेक के बारे में डिटेल बता देंगे आपको। तो पोर्ट अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका कॉन्फ़िगरेशन समझना, तो उसके लिए चले जाना होगा हम लोग को पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। पोर्ट सेटिंग में चले जाइए और पोर्ट सेटिंग में आप जाके देखिए। अभी जैसे देखिए मेरा ये लिंक दिख रहा है, ये पौधे के ऊपर में भी आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे मेरा ये पोर्ट अप है, ठीक है, और एक नंबर पोर्ट अप है। तो हमको मान लीजिए कि ये जैसे G2 पोर्ट है, मेरा अप नहीं हो रहा, मान लीजिए डाउन ही दिखा रहा, हमने केबल लगा दिया फिर भी डाउन दिखा रहा। तो देखिए, किसी पोर्ट का ना जैसे ऑटो नेगोशिएशन होता है, ठीक है, और एक होता है मैनुअल, ठीक है, कि पोर्ट का नेगोशिएशन कैसा है चल रहा है, तो मैनुअल है या ऑटो है, तो वो चीज़ को लेके हम लोग देखते हैं। तो हम G2 को सेलेक्ट कर लिए, G2 को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाके देखेंगे कि पोर्ट इनेबल है कि नहीं है, सबसे पहले इनेबल होना चाहिए। और इस सब में देखिए ज़्यादा इन दिमाग लगाने के, और स्पीड में जाके ये देखो, इसको मैनुअल बहुत बार अगर अप नहीं होता है तो उसको 1G फुल कर देने का, सामने अगर से लिंक अगर मेरा 1G आ रहा है तो हम उसको 1G फुल कर देंगे और फिर मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, या अगर 10G पे आ रहा है तो 10G कर देंगे और मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें जो अपना ये ओल्टी होता है, इसमें दो पोर्ट जो है अपना 10G होता है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला दो दो पोर्ट है 1 और 2, ये अपना इसमें दो जो 4 SFP पोर्ट है, इसमें 2 10G है और 2 1G है, ठीक है। XC1 और XC2 10G है, ऑप्शन सभी में मिल जाएगा आपको, G1 G2 सभी में मिल जाएगा, लेकिन XC1 और XC2 भी 10G के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पोर्ट नेगोशिएशन को आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा है कि एक बहुत स्लो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा ऑप्टिकल पावर कहाँ से दिखेगा। तो ऑप्टिकल पावर पोर्ट सेटिंग के अंदर में ही आपको चला जाना है ऑप्टिकल पावर इन्फो, ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे तो आपका ये देखिए अपलिंक पोर्ट है,
तो अपलिंक पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है क्योंकि हम कोई डायरेक्टली अपलिंक पोर्ट यहाँ लगे। G1 जो है वो मेरा है, Cat6 वाला है, इथरनेट वाला पोर्ट है, इथर पोर्ट वाला, इसीलिए हमको नहीं दिखा यहाँ पर। नहीं तो अगर मेरा यहाँ पे SFP के कोई पोर्ट लगा रहा था तो इधर में मेरे को मेरा RX और TX कितना आ रहा है यहाँ पे मेरे को दिख जाता। ठीक है, ओके चलिए। और यहाँ पे पॉन का पावर दिख रहा है हमको, मेरा पॉन पावर, मेरा दो पॉन यहाँ लगा हुआ है, एक पॉन से मेरा 7.71 आउट हो रहा है, एक दूसरे पॉन से मेरा 7.37 पावर आउट हो रहा है। ये अपना 7 dB वाला पॉन लगा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए वो हो गया। अच्छा, पोर्ट का लूप डिटेक्ट जो होता है, तो यहाँ से लूप डिटेक्ट का ऑप्शन होता है। देखो अभी लूप डिटेक्ट वाला जो बात है ना, इसमें बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि लूप डिटेक्ट में क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो दोस्तों देखिए, बाय डिफॉल्ट आपको इसको इनेबल करके नहीं रख देगा, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो ही यहाँ पे दिमाग लगाने का। ठीक है, इस लूप के बारे में मैं एक अलग से एकदम कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लूप एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। RLTech का वीडियो का भी बहुत सारा मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि भाई कंप्लेन आ रहा है जो RLTech वाले यूजर है उनसे कि RLTech का वीडियो नहीं बन रहा था, इसलिए हम उसके ऊपर में वीडियो जरूर से बनाएंगे, दो चार वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा चीज को पकड़ते हैं पहले। अच्छा, एक तो ये हो गया पोर्ट डाउन वाला इशू आता है तो क्या करने का। दूसरा, अब मान लो कि आपका ISP के आस पास से VLAN है, ठीक है, तो VLAN का क्या करने का। जैसे देखिए कि हमारा इधर जो ISP है, ISP ने हमें VLAN पे दिया है लिंक, कि हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग VLAN होता है, तो उनका जो था VLAN कुछ जो भी था, मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, उन लोगों ने हमें VLAN कुछ ऐसा दिया था कि इस तरह का VLAN है। ठीक है, इतना सारा VLAN उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले तो आपको VLAN जितना है उसको VLAN कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ जाके आपको सबसे पहले VLAN क्रिएट करना होगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कोई VLAN क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा आपको VLAN चाहिए 90 90 लिख के यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारा VLAN ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर 90 to 100 करना है तो 90 - 100 लिख के अगर ऐड कर देंगे तो 90 to 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा VLAN हमारा ऐड से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी VLAN अगर क्रिएट करना है आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। अब उसके बाद हो गया VLAN को पास कराना। देखो पोर्ट हमारा दो तरह का होता है, जो भी कोई पोर्ट हमारा यहाँ जो लगा हुआ है क्वालिटी में दो तरह का होता है, एक होता है एक्सेस पोर्ट और दूसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड पोर्ट। ठीक है, एक हुआ एक्सेस और दूसरा हो गया हाइब्रिड। तो एक्सेस पोर्ट कौन सा है, जिस पोर्ट से मतलब वहां से कोई विलेन नहीं आउट हो रहा है, आपको आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे में क्या था, वहां पे एंड हो गया यार सारा विलेन विलेन आके सब कुछ एंड हो गया, आपको नॉर्मल डेटा मिलेगा, मतलब डिफॉल्ट पे आपको डेटा मिलेगा, आपको कोई विलेन विलेन नहीं, उसको बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। ठीक है, और दूसरा एक होता है जो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होता है ना, हाइब्रिड सॉरी हाइब्रिड मत बोलो आप, उसको बोलो ट्रंक पोर्ट। ठीक है, ट्रंक में क्या होता है, मल्टीपल विलेन को लेकर आते हैं उसको हम लोग ट्रंक। ठीक है, तो हम लोग क्या भाई, तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं भाई, सभी पोर्ट को हाइब्रिड के हिसाब से कंफिगर करते हैं। ठीक है, आप कैसे करोगे भैया, इसको सेलेक्ट कर लो, जिसको इसको सेलेक्ट करना है ना, ऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे गए इसको एक्सेस को पकड़ के हाइब्रिड पे डाल। ठीक है, हो गया काम, ऑल पकड़ के बड़ा इसको यहाँ पे एक्सेस को पकड़ के इधर सीधा हाइब्रिड डाल दिया, ये एक्सेस हो या ट्रंक को दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना VLAN अगर पास कराना है तो वो पोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रंक तो होना ही चाहिए। हाइब्रिड मान लो हम नहीं करते, मान लो एकदम चाहते हो कि हम जिसको एक्सेस बनाए एक्सेस बनाएंगे और जिसको हाइब्रिड बनाए हाइब्रिड, एक बार ट्रंक बनाए ट्रंक बनाएंगे, हाइब्रिड डाल दोगे तो दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो अपना क्या है कि हम इसको हाइब्रिड डालते हैं। ठीक है, जो जिसको बनाना होगा बना लेंगे। अब मान लो कि इधर में देखो ऐसा है कि हमारा इनपुट जो आ रहा है G1 से, तो G1 में मेरे को जितना विलन सारा अलाउ करना है ये सारा विलन अलाउ करना है, इतना सारा। ठीक है, विलन का लिस्ट हमको मिल जाता है सामने से, तो मल्टीपल विलन आ रहा है तो इसका मतलब कि ट्रंक होना चाहिए। तो इसको हम सिर्फ एक्सेस तो टाइप इसका नहीं रख सकते, इसका टाइप हमको आइदर ट्रंक रखना पड़ेगा या फिर हाइब्रिड रखना पड़ेगा, हाइब्रिड रखने से दोनों के हिसाब से काम करेगा, और फिर हमको सारा विलेन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो देखो इसका जो टाइप करने का ना कैपेसिटी का एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, एक कैपेसिटी के बाद टाइप करोगे तो नहीं होगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो भी टाइप करके ना यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे वो ऐड होता है, और अगर डिलीट पे क्लिक करो तो वो डिलीट होता है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे आपको यहाँ पे बहुत हो गया, जगह भर्ती हो गया, हम और टाइप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो हमें टाइप कर रहे हैं, मेरा टाइप फोन मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है हो नहीं रहा है। ठीक है, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ये, लेकिन मेरा टाइप हो नहीं पा रहा है।
तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड पे क्लिक कर लो और फिर सारा कुछ मिटा के फिर उसको टाइप कर लो आप यहाँ पे 567, इसको ऐड पे फिर क्लिक कर दो, हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 67 मिलियन मेरा ऐड नहीं किया हुआ है, इसीलिए अभी मैं ऐड करूँगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, मैं 801 से 810 ये विलेन को ना मेरा ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ 801 से लेके 810 यहाँ से हटेगा, ये भी ध्यान देना। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखो लाइव वर्ल्ड ही है। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ थोड़ा क्या है कि लिंक टाइप अगर चेंज वेंज किया था ना, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। 801 से 810 को मैं डिलीट करूँगा, फिर इसको ऐड भी करना, इसलिए मैं थोड़ा इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, देखो यहाँ गायब हो गया कि नहीं। अब मेरे को क्या करना, ऐड करना। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट किया फिर से पूरा आ गया, टेंशन नहीं है, मेरे को जो ऐड करना मैं वो टाइप करूंगा और ऐड पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ऐड, सिंपल सी बात है। अब बहुत लोग क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जब डेटा रहता है तो वो पूरा में तो टाइप कर नहीं पाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, टर्मिनल में लॉग इन करते हैं पुट्टी से, वो पुट्टी से जाके लॉग इन करते हैं टर्मिनल में, कंसोल में जाते हैं, जरूरत नहीं। वीलेन ऐड करने के लिए कंसोल में जाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो जो भी है आरएलटेक जो कंपनी है, ये बेसिकली आरएलटेक का चाइना का जो वर्सन है, मतलब चाइना का ओरिजिनल जो कंपनी, उसका नाम है रिचर लिंक। ठीक है, ये रिचर लिंक भी इंडिया में अभी आज के रेट में आरएलटेक नाम से प्रेजेंट किया जाता है और बताया जाता है कि ये चाइना की कंपनी नहीं है, सिंगापुर बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आरएलटेक का मतलब ही होता है रिचर लिंक। आप रिचर लिंक वाला ताज के लिए सर्विस के लिए जो माल भेजा जाता है सब आरएलटेक यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अपना क्या मतलब उससे कुछ नहीं है। आरएलटेक बोलता है भैया मेक इन इंडिया, उनको मिला है स्टिकर तो भैया आप लगाएंगे, हम कुछ करेंगे क्या है, ये सरकार का दायित्व है कि वो पकड़े कौन कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है, चाइना बना रहा है कि इंडिया बना रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो जो बोलना है हम बता दें आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका विलेन। ठीक है, और तो विलेन ऐसे हम लोग बात करते, तो बीएसएनएल वाले जो बंदे उनका तो काम हो गया ऐसे। आपको जिस जिस पोर्ट पर आप देखिए क्या होता है कि बीएसएनएल में क्या होता है, सभी विलेन को हम लोग को टैग करके पास करा देना है। ठीक है, सभी विलेन को हम लोग को टैग करके पास करा देना है। और पीवीआईडी के इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पीवीआईडी में क्या होता है, जैसे कुछ ही पोर्ट को हमको, जैसे मान लो कि G5 है, इसको हमको एक्सेस पोर्ट बनाना है, पीवीआईडी इसका रहेगा 805। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ नहीं करना है आप यहाँ पे इसको टिक मार दीजिए और टिक मार के इसका डिफॉल्ट को बदल के 805 डाल दीजिए, हो गया इसका, ये बन गया एक्सेस पोर्ट। ठीक है, एक्सेस का टाइप ऑलरेडी है, ये बन गया एक्सेस पोर्ट, इस पे 805 यहाँ से सिर्फ पास होगा और पास होके आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पीवीआईडी सेट कर सकते हो डिफॉल्ट विलन से। तो मैंने आपको विलन के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, हमेशा याद रखना कि एक्सेस पोर्ट पे जो मान विलेन जो आप डालोगे, ठीक है, वो एक ही होता है। अब यहाँ पे मल्टीपल विलेन हम नहीं बना सकते हैं, वो आइदर वन रहेगा या फिर वो कोई एक पर्टिकुलर विलेन जो डाल रहा है वो रहेगा। एक्सेस जो पोर्ट होता है वो टर्मिनेट कोई भी विलेन होगा तो एक पोर्ट पे एक ही विलेन को हम टर्मिनेट मतलब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग इसके विलेन वाले से आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा एक चीज और, बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे एक बंदे ने हमको फोन किया था, बोला था कि मेरे को मैक कहाँ से देखेंगे, आरएलटेक का ही केस था, बोले कि हम तो विशाल वाले वोल्टी मैक देख पाते, इसमें इसमें बहुत सिंपल है। देखो मैक एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ मैक एड्रेस पे चले जाओ, इधर से आपको सारा कौन सा वोल्टी पे क्या मैक आ रहा है आपको सब। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, मैक एक्सेस बाइंडिंग। ठीक है, देखो ये सब मैं ना अभी कुछ दिन पहले का ही केस है, एक कस्टमर के का बीएसएनएल का वोल्टी था, उन्होंने क्या किया था कि सारे मैक को बाइंडिंग, मैंने उनका क्या दिक्कत था ना कि उनके यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था कि मल्टीपल मैक आ रहे थे सामने से और उस मैक से बहुत डेटा, मतलब वो सब जो ओनू जो था उसमें कुछ ओनू का सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, एक नैपस्टेक बोल की कंपनी है उसका बहुत घटिया क्वालिटी का ओनू होता है, मतलब बेसिकली बीएसएनएल में तो उनका बहुत परफॉर्मेंस खराब है, वो सब रिफर्बिश आइटम होता है।
तो उनका ओनू से ना बहुत ज्यादा फ्लूड हो रहा था, पैकेट फ्लूड हो रहा था, तो उसके चलते वो लोग ना ट्राई किए कि यहाँ से हम मैक डाल के अपना से पर्टिकुलर फोन पे डाल के जो जो मैंने ओनू से प्रॉब्लम आ रहा है उसका डाल के यहाँ से वो लोग क्या कर दिए थे ना, ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन ब्लॉक करने के बाद क्या हो गया था कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती, जब भी आप इधर से अगर कोई मैक वैक को ब्लॉक करते हो ना, ये ध्यान रखना ये ओनू का मैक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओनू, देखिए एक कोई भी ओनू जो होता है ना उसमें जितना पोर्ट रहेगा उतना मैक हो जाता है। लैन पोर्ट के लिए अलग मैक, ठीक है, जो उसका वैन पोर्ट है उसके लिए अलग, मतलब वाईफाई में मान लो दो दो बैंड है, 2.4 GHz है, 5.8 GHz है, तो 2.4 के लिए एक अलग बैंड होगा, अलग सॉरी अलग मैक होगा, 5 GHz के लिए उसको बोलते हैं डब्ल्यू लैन, उसके लिए एक अलग मैक होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अब मान लो कि जो नैपस्टेक में जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर डाइल करते हो उस अगर ONT में, तो उस ONT का मैक यहाँ का बात हो रहा है, यहाँ पे ONU ब्लॉकिंग नहीं है। इस मैक एड्रेस में अगर बाइंडिंग करोगे तो जो मैक आपको मिल रहा है पर्टिकुलर VLAN के ऊपर में जिसको बाइंड करना है वो यहाँ से होगा। तो उसको कैसे करोगे, मैक एड्रेस टेबल से देख देख के कौन कौन सा VLAN पे डेटा जाने देना है, कौन कौन सा पे नहीं जाने देना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बाइंडिंग करना है, ठीक है। चलिए हो गया, और VLAN का भी हमने बता दिया आपको। अच्छा है, देखिए STP का है अपना, STP प्रोटोकॉल, अगर रिंग विंग नेटवर्क आप बना रहे हैं तो उसके लिए अपना STP प्रोटोकॉल अगर यहाँ से आप इनेबल करना चाहते हैं तो MSTP में जाके आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है, अगर किसी को ब्रिज नेटवर्क बनाना है, मल्टीपल उनका OLT है या स्विच विच है जिससे वो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। SNMP का है ये भी, SNMP का भी ऑप्शन इधर में अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल SNMP होता है वैसे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पब्लिक बोल के कुछ नहीं बना रहता है, और नहीं तो जनरली क्या रहता है अपना एक पब्लिक बोल के ग्रुप बना रहता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बना हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, इससे आपको जो बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, ओके। अब आया ONU को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ से ONU मैनेज, हमारा भी इसमें एक कस्टमर यहाँ पर ऑनलाइन है, ठीक है, -22 पावर मिल रहा है, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर ही सारा कनेक्टिविटी है, दो चार कनेक्टिविटी जो भी है इसलिए बहुत नज़दीक नज़दीक में है, ठीक है। तो इधर से हम लोग यहाँ से हम लोग ONU को मैनेज वैनेज जो करने का होता है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि वैन हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, कारण ये है कि हमारा जो OLT है वो RLTEC का है और ये ONU जो है ये RLTEC का नहीं है, ठीक है। अगर RLTEC का ONU रहता ना तो हम यहाँ वैन कन्फिग्रेशन पे जाते तो हमको यहाँ पे वैन कन्फिग्रेशन ये मिल जाता ऑप्शन, ठीक है। अब ये नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद देखिए ONU अपग्रेड अगर करना है आपको तो आप ONU अपग्रेड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। यहाँ से आप टिक मार दीजिए और जो भी ONU है आपका उसका फर्मवेयर को इधर से सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर अपडेट मार दीजिए, आपका ये अपग्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कोशिश यही कीजिएगा कि इधर से ONU को अपडेट ना करें क्योंकि बहुत बार दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और अब देखते हैं आगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में देखिए जो लॉग इन एक्सेस स्टेटस है, अभी ये डिजेबल है बाई डिफॉल्ट, अभी यहाँ पे कुछ भी करे ना करे कोई दिक्कत नहीं। आप सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वेब जो प्रोटोकॉल, अभी हम इसको जो एक्सेस कर रहे हैं इस ब्राउजर में डाल के, ये हमारा प्रोटोकॉल क्या है, वेब प्रोटोकॉल है, पोर्ट 80 के थ्रू इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, मैंने ये यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। मान लो मैं वेब में गया और मैंने यहाँ पे एक IP डाल दिया और इसको परमिट करके ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया इसको यहाँ पे जाके इनेबल करके इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एक बार इनेबल हो गया, इनेबल होने के बाद क्या है, यहाँ पे जो एंट्री रहेगा ना उसी से एक्सेस होगा। मान लो वेब के लिए आपने कुछ नहीं डाला, एंट्री कुछ भी नहीं किया, SNMP पे कुछ भी नहीं किया और गलती से इसको इनेबल कर दिया, एक बार इनेबल कर दोगे आपके पास कोई चारा नहीं बचता है इसमें लॉगिन करने का, सिर्फ आपके पास एक चारा बचेगा वो है इसको रीसेट करना। इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी जाके इस लॉगिन एक्सेस को इनेबल ना कर देना, एक बार इनेबल करके मॉडिफाई कर दिए बस हो गया केस, आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब उसके लिए आपके पास उपाय क्या है, एक उपाय है जो है कि कंसोल केवल आपके पास अगर अवेलेबल है तो कंसोल में जाके आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से जाके इसको अपना डिजेबल कर लो, ठीक है, या
आप इसको रिसेट करके इसमें लॉगिन करो। अच्छा, अगर SSH में अगर लॉगिन करना है, बहुत बार देखिए बहुत बार गलती होता है कि लोग क्या करते हैं, पुट्टी में जाते हैं और SSH में लॉगिन करने का ट्राई, टेलनेट से तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, SSH में ट्राई करते हैं लॉगिन करना, SSH ही नहीं हो पाता। कारण क्या है कि SSH में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले लॉग सिक्योरिटी से कॉन्फ़िगरेशन में जाके, SSH में जाके यहाँ पे आपको एडमिन लिखना पड़ेगा, एडमिन लिख के इसको ऐड करना पड़ेगा। एक बार आप इसको ऐड कर देंगे उसके बाद फिर आप पुट्टी के थ्रू, मैंने SSH बोलने का मतलब जो पुट्टी वाला अपना सॉफ्टवेयर होता है, पुट्टी के थ्रू फिर आप लॉग इन करके Port22 की हेल्प से आप इसमें लॉग इन करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जिसको टर्मिनल बोलते हैं उसके थ्रू आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। और क्या है, IGMP है, मल्टीकास्ट अल्टीकास्ट का जो ये सब रहता है उसके लिए है। ठीक है, वो बहुत एडवांस चीज़ है, वो किसी को जरूरत पड़ता नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ओवरऑल आपको, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ EAPS कॉन्फ़िगरेशन। देखो दोस्तों, जो अपने अपना जो VSOL की ओल्टी में एक अपने पास ऑप्शन मिलता है, VSOL की ओल्टी में जो ऑप्शन मिलता है ना, स्विच पोर्ट, जिसमें हम लोग रिंग बनाने के लिए कुछ करते हैं, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। देखो, कोई भी ओल्टी हो, VSOL का ओल्टी हो, RLTech का हो, सी डेटा का हो, या कोई भी ओल्टी हो, सभी कंपनी चाहते हैं कि अपने मैंने अपने ओल्टी में फैसिलिटी दे। ठीक है, तो इसमें भी सारा कुछ है। आप रिंग बनाना चाहते हो, मान लो कि दो पॉन से आप चाहते हो कि दो पॉन को हम पर्टिकुलर जगह पे दोनों पॉन से पावर भेजें और उस जगह पे जाके मेरा ये एक अगर डाउन हो तो दूसरे से चलते रहे, तो आप यहाँ से EAPS के थ्रू आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा, इसमें आप इसको मोड को मास्टर रख लो। ठीक है, अब मान लो कि अगर पॉन का कर रहे हो तो ईपॉन वन को अगर आपने प्राइमरी बना दिया और ईपॉन टू को अपने सेकेंडरी बना, तो ये दोस्तों ध्यान रखना, एक एक को प्राइमरी बनाया, एक को सेकेंडरी बनाया, तो प्राइमरी वाला ना बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। ठीक है, मैंने पावर मैंने पोर्ट का पावर को ऑन रखता है बाय डिफॉल्ट, और जैसे इस पे उसको ना पीछे से कोई पावर, मतलब देखो क्या होता है ना कि अपना इधर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आप समझने का चेष्टा करो कि ये जैसे ये पोर्ट है ना, ये आप ऑप्टिकल पावर इन्फो में जाओ, अभी मेरा जो पॉन का पावर है यहाँ देखो, ये जो मेरा वन पोर्ट है इसमें क्या है ना, इसमें कोई देखो पावर रिसीव नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा कोई भी ओनू ऑनलाइन नहीं है, और यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि मेरा इधर से पावर जा रहा है तो मेरे पास पावर आ भी रहा है, तो मतलब इसी कारण से पावर आ रहा है ना, तभी ये देखो पोर्ट टू को यहाँ पे ना ग्रीन लाइट जला के रखा है, बत्ती जल रहा है। ठीक है, तो मतलब ओल्टी को मेरा पता चलता है कि मेरे को पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिंग क्रिएट करते हैं अपना रिंग कॉन्फ़िगरेशन EAPS में, मान लो कि हम इसको यहाँ पर हमने ईपोन वन को इधर रखा है और ईपोन टू को हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो मेरा प्राइमरी पोर्ट है ना उसका पोर्ट को अप रखेगा, मतलब मेरे एंड पे, मतलब इस ओएलटी एंड पे इसको अप रखेंगे, और सेकेंडरी पोर्ट में जो रहेगा उसको हम डाउन रखेंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही अप होगा, दोनों अप नहीं होगा। मतलब अगर चार पोर्ट का ओएलटी है और आप चाहते हो कि दो लिंक को लेके जाओगे रिंग पे, तो आपका दो पोर्ट का हो गया, क्योंकि एक एक लिंक के लिए आपको दो पोर्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें ईपोन का मेरा पावर जाता रहेगा ईपोन वन से, और ईपोन टू बंद रहेगा। ईपोन वन पे पावर अगर उधर से, मतलब पैनल फाइबर कट हो गया, मतलब मेरे को उधर से पावर नहीं आएगा, तो ईपोन ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, अब पावर मिलना बंद। जैसे इसको फिजिकली मैंने पता चलेगा कि ईपोन वन पे मेरा पावर नहीं आ रहा है, ये क्या करेगा, ईपोन टू से पावर छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है अपना उधर भी, VSOL में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि आपका मेन लिंक जो है, अपलिंक जो है, अपलिंक में आप दो लिंक, आपको आपका ISP आपका दो लिंक दे रहा है, अब क्या करोगे, वैसे ही बना XC1 मेरा XC2 मेरा टू, इसको मॉडिफाई कर रिवर्स कर, तो हो गया, तब एक का पावर ऑन रहेगा दूसरा का पावर ऑफ रहेगा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप RLTech का OLTP भी लगाओगे, सारा फीचर जो होता है VSOL में वो आपको RLTech में भी मिलता है, VSOL वाला सारा फीचर इधर भी मिलता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और RLTech का देखो सपोर्ट अगर बोला जाए तो RLTech का सपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट, RLTech ओल्टी खरीदते समय एक चीज ध्यान देना है कि जिस वेंडर से खरीद रहे हो वो वेंडर अगर सही नहीं है, ठीक है, तो आपको RLTech ओल्टी एक दर्द के हिसाब से रहेगा, आपका वेंडर सही होना चाहिए, क्योंकि RLTech कंपनी का कोई कस्टमर केयर का डायरेक्ट नंबर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है,
वो आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं अपने वेंडर के थ्रू आपको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर... उनका टीम जो है बेसिकली ये बी टू बी बिजनेस पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप आर एल टेक का वेल्टी खरीदें तो आप कहाँ से खरीद रहे हैं इसका ध्यान रखें, ठीक है। हमारे यहाँ से आप अगर वेल्टी का वेल्टी खरीदते हैं, हमारे यहाँ से आपको बहुत प्रॉपर सपोर्ट, कॉन्फ़िगरेशन से लेके किसी भी चीज़ में कोई सपोर्ट होगा, हमारा नंबर तो खुला ही हुआ, प्लस हम आर एल टेक वाले बंदे से भी उनको फोन करके डायरेक्ट आपके पास कॉल करवा देते हैं, ठीक है। और आर एल टेक का कोई कस्टमर नहीं है, और जो जो टेक्निकल बंदे नहीं हैं उनका दिक्कत होता है कि उनको चार बार आप फोन करोगे ना वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, और जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहा वो कर रहा है, वो एक तरह से समझ लो वो बेच रहा है, ठीक है। उसके लिए वो मतलब है, उसको बेचना है जैसे भी करके, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अब छोटा मोटा चीज के लिए भी वो आर एल टेक का बंदा को ये करेगा, ठीक है। उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और हम लोग के पास छोटा मोटा चीज अगर रहेगा ऐसे डायरेक्ट ऊपर द, हमारे यहाँ पे जो बंदा माल पैकिंग भी करता है ना वो भी छोटा मोटा फोन का पावर निकल रहे कर रहा है तो चार ट्रबल शूटिंग आपको बता देगा। दोस्तों जो भी है इसको अब हम लोग, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सारा चीज समराइज करके इसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज को मैंने आपको कवर कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारा नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, आप उस नंबर को MFT रिटेल के नाम से सेव कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना नाम, सबसे पहले देखिए कॉल करने के पहले आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी चीज के लिए आप कॉल करते हैं हमें तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले अपने मोबाइल में हमारा नंबर सेव कर लो, फिर उसके बाद कॉल कीजिए, और सेव करने के बाद क्या करना है व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना है नाम और लोकेशन, अगर प्रॉब्लम इन समरी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट बाद कॉल करेंगे तो आपको सोल्यूशन फटाफट मिल जाएगा, ठीक है, या हो सके आपको सामने से कॉल भी आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब, और जो भी आपकी जान पहचान के ऑपरेटर मित्र हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपने अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकें, और जियो एयरटेल के साथ जो लड़ाई चल रहा है देखिए इस अभी जो आप काम कर रहे हैं ना इसमें अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। जियो एयरटेल के पीछे में एक बहुत बड़ा टीम बैठा हुआ है, लेकिन आपका सपोर्ट करने के लिए हम हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को भी बनाया है, ताकि हम लोग जो ऑपरेटर हैं उनको हम लोग हेल्प आउट करके उनको भी एक टेक्निकल टीम का सपोर्ट दे सके, ठीक है, और वही हम लोग हमेशा कोशिश भी करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।